अब हम अगला प्रकरण लेते हैं बच्चों, द्विआधारी संक्रिया में तत्समक एवं प्रतिलोम अवयव कैसे प्राप्त करेंगे। बच्चों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इसी में से पूछे जाते हैं, तो हम इसको एक प्रश्न लेकर के समझते हैं। ये टेक्स्ट बुक का प्रश्न क्रमांक 10 है, मैं प्रश्न एक बार पढ़ देता हूँ फिर हम इसे हल करते हैं। परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित संक्रिया स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। पहला है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, दूसरा A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, थर्ड है A स्टार B इज इक्वल टू A प्लस A इनटू B, चौथा है A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर, पांचवा है A स्टार B इज इक्वल टू A इनटू B बाय 4 और छठवां है A स्टार B इज इक्वल टू A इनटू B स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन परिवर्तन क्या रहा है कि अलग अलग समुच्चय के लिए परिभाषित है। इस प्रश्न में जो समुच्चय दिया गया है वो Q है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो चलिए हल करते हैं, आप देखिए स्क्रीन पे, यहां पर समुच्चय Q पर परिभाषित संक्रिया स्टार इस प्रकार परिभाषित है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B। क्योंकि Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, मान लेते हैं कि E द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तब परिभाषा से A स्टार E इज इक्वल टू A और E स्टार A इज इक्वल टू A। अब हम प्रश्न में जो परिभाषा दिया है कि A स्टार B इज इक्वल टू A माइनस B, तो यहां पर लगाते हैं, दोनों भाग को क्रमशः करते हैं। पहले हम A स्टार E का मान निकालते हैं, A माइनस E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस E इज इक्वल टू A माइनस A, देयर एम्प्लाइज E इज इक्वल टू जीरो। दूसरी ओर हम देखते हैं E स्टार A इज इक्वल टू A, देयर एम्प्लाइज E माइनस A इज इक्वल टू A, देयर एम्प्लाइज E इज इक्वल टू A प्लस A, देयर एम्प्लाइज E इज इक्वल टू 2A। अब ये दूसरे भाग में E का मान 2A आ रहा है, E का मान 2A आ रहा है, इसका मतलब यह A के मान पर निर्भर कर रहा है, अर्थात यह अद्वितीय अवयव नहीं है। आप A के विभिन्न मान रख करके देख सकते हैं, कोई भी आप Q के अवयव ले लीजिए, परिमेय संख्याओं का उदाहरण ले लीजिए, जैसे A बराबर 2 लो तो E इज इक्वल टू 2A, तो A इज इक्वल 2 रखने पर E का मान 4, A इज इक्वल 3 रखने पर E का मान 6, A इज इक्वल टू 5 रखने पर E का मान 10 इत्यादि मिलते जाएगा। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं E बराबर 0, जबकि इधर E के कई मान 4, 6, 10 इत्यादि। तो इस प्रकार कहा जा सकता है E अद्वितीय नहीं है, अतः संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर नीचे नोट के रूप में लिखा गया, जिसको आप हमेशा याद रखें, यदि तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है तब प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि A स्टार B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू B स्टार A, जहाँ E द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव है। तो ये बात हमें जानना है। तो इस प्रकार आप यदि E का अस्तित्व नहीं है तो उसका प्रतिलोम का भी अस्तित्व नहीं है, आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। यदि प्रश्न में पूछता है प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको तत्समक अवयव ज्ञात करना होगा, पहले पता करना होगा तत्समक अवयव का अस्तित्व है अथवा नहीं। इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न है A स्टार B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहां स्टार
क्यू पर परिभाषित है। मान लेते हैं स्मॉल ई द्विआधारी संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तब तत्समक अवयव की परिभाषा से ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब पहले भाग को लेकर के चलते हैं, जब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए देयर एम्प्लाइज ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए देयर एम्प्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस ए स्क्वायर विच नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ई का मान जो मिल रहा है वर्गमूल के अंदर ए माइनस ए स्क्वायर, किसी भी परिस्थिति में ए माइनस ए स्क्वायर का मान धनात्मक नहीं आएगा, ठीक है। यदि हम ए का मान एक को छोड़ दें, एक को छोड़कर शेष कोई भी मान लें, तो ए माइनस ए स्क्वायर का मान क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, और रूट ऑफ निगेटिव नंबर विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। दूसरी ओर हम देखते हैं ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, संक्रिया लगाते हैं, देयर एम्प्लाइज ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देयर एम्प्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर विच डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। तो दोनों पक्षों में आपको देखने को मिल रहा है कि संक्रिया स्टार के लिए ई का अस्तित्व नहीं है फॉर ऑल ए ग्रेटर देन वन के लिए। यहाँ पर भी बच्चों वही बात याद रखना है, इसलिए यहाँ पर एक बॉक्स में लिखा गया है नोट के रूप में, आप एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ, तो इस बात को ध्यान पर रखेंगे, चूंकि अवयव ए बिलोंग्स टू समुच्चय ए व्युत्क्रमणी कहलाता है, यदि एक ऐसे अवयव बी बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व इस प्रकार हो ताकि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, तब ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। अब इस प्रश्न की बात करें तो इसमें तत्समक अवयव ई का अस्तित्व ही नहीं है, अतः इसके व्युत्क्रम अवयव का भी अस्तित्व नहीं होगा। बच्चों हम तीसरा प्रश्न लेते हैं, इसमें क्यू पर संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। यहाँ पर भी हम पहले तत्समक अवयव के लिए मान लेते हैं ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए तथा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब पहला भाग ले लेते हैं और ऊपर प्रश्न में जो ए स्टार बी परिभाषित है उसको लगाते हैं, परिभाषा लगाते हैं, तो ए स्टार ई का मान मिलेगा ए प्लस ए इंटू ई इज इक्वल टू ए। इसको सरल कीजिए तो ए इज इक्वल टू ए माइनस ए देयर एम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू जीरो। अब हम दूसरी तरफ ई स्टार ए के लिए हल करते हैं, ई स्टार ए के लिए क्या मिलेगा, ई प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू ए। इसको सरल करते हैं तो मिलेगा ई कॉमन ले लीजिए, ई इंटू वन प्लस ए इज इक्वल टू ए, देन ई का मान मिलेगा ई इज इक्वल टू ए अपॉन वन प्लस ए। अब यहाँ से स्पष्ट है कि ए के अलग अलग मान के लिए यह अलग अलग मान देगा, अर्थात ई अद्वितीय नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ रहा है परंतु राइट हैंड साइड ए अपॉन वन प्लस ए है, जो ए के अलग अलग मान के लिए ई का मान अलग अलग होगा। स्पष्ट है ई का मान अद्वितीय नहीं होने के कारण दिए गए द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव ई का अस्तित्व नहीं है और इस प्रकार इसके प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व नहीं है। इसी का पांचवा प्रश्न देखें आप, ये संक्रिया कैसे परिभाषित है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई फोर। मान लेते हैं ई संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव है, तब परिभाषा लगाते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए तथा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए।
अब पहले भाग को लेते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए को सरल करते हैं, क्या मिलेगा, ए इंटू ई बाई फोर इज इक्वल टू ए, देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू फोर। फिर आगे लेते हैं दूसरी तरफ, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए को सरल करते हैं, ई इंटू ए बाई फोर इज इक्वल टू ए, सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा ई इज इक्वल टू फोर। अब आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में ई का मान फोर और राइट हैंड साइड में भी ई का मान फोर, स्पष्ट है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है, अतः कहा जा सकता है ई का अद्वितीय मान मिल रहा है, अतः ई का अस्तित्व है और ई का मान चार है, अर्थात इस संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ई बराबर चार है। अब ई बराबर चार यानी तत्समक अवयव मिल गया, तो हमें अब प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ए बिलोंग्स टू ए के संगत बी बिलोंग्स टू ए प्रतिलोम अवयव है, तब ए स्टार बी इज इक्वल टू ई तथा बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पर मान रखते हैं बी जो है ए का प्रतिलोम अवयव है, तो बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स, तो ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर। अब हम यहाँ परिभाषा लगाते हैं तो मिलेगा ए इंटू ए इनवर्स बाई फोर इज इक्वल टू फोर, देयरफोर ए इनवर्स इज इक्वल टू फोर इंटू फोर सिक्सटीन बाई ए। दूसरी ओर हम हल करते हैं बी स्टार ए इज इक्वल टू ई को, तो ये मिलेगा बी की जगह पर ए इनवर्स रखिए क्योंकि आप मान रखे हैं बी प्रतिलोम अवयव है ए का, तो हम बी के जगह पर ए इनवर्स रख सकते हैं, तो ए इनवर्स स्टार ए इज इक्वल टू फोर, देयर एम्प्लाइज ए इनवर्स ए बाई फोर इज इक्वल टू फोर, देयर एम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई ए। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आप गौर से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, ए इनवर्स 16 बाई ए मिल रहा है। तो इस प्रकार इसमें प्रतिलोम अवयव ए इनवर्स का मान 16 बाई ए है। अब हम इसका छठवां प्रश्न लेते हैं। इस प्रश्न में दिया है क्यू पर परिभाषित संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटू बी स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं बच्चों, पहले हम तत्समक अवयव निकालेंगे उसके बाद हम उसका प्रतिलोम अवयव निकालेंगे। तो पहले हम तत्समक अवयव का परीक्षण करेंगे कि तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं है। मान लेते हैं दिए गए संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव ई है, तब परिभाषा से लिख सकते हैं ए स्टार ई इज इक्वल टू ए तथा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब पहले भाग को परिभाषा लगाते हैं जो प्रश्न में ए स्टार बी बराबर ए इंटू बी स्क्वायर है, लगाते हैं यहाँ पर, तो ए स्टार ई का मान मिलेगा ए इंटू ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इसको सरल करके हम ई निकालेंगे, देयर एम्प्लाइज ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई ए दैट इज वन, देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन विच बिलोंग्स टू क्यू। ई का मान प्लस वन भी मिल रहा है, ई का मान माइनस वन भी मिल रहा है। अब ये दोनों क्यू के अवयव तो हैं लेकिन ई का मान अद्वितीय नहीं है, प्लस वन भी मिल रहा है माइनस वन भी मिल रहा है। राइट हैंड साइड में यदि हम देखें ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, परिभाषा लगाएं तो मिलेगा देयर एम्प्लाइज ई इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देयर एम्प्लाइज ई इज इक्वल टू ए अपान ए का स्क्वायर, देयर फोर ई इज इक्वल टू वन बाई ए। यहाँ पर ई का मान ए पर निर्भर करता है अतः यह भी अद्वितीय नहीं है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ई का मान अद्वितीय नहीं है, स्पष्ट है तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है और इसलिए इस द्विआधारी संक्रिया के लिए प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन इसमें रखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का ही छठवां नंबर का सवाल है। प्रश्न आप टेक्स्ट बुक्स में देखें, मैं यहाँ पर प्रश्न भी पढ़ देता हूँ। मान लीजिए कि n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम
द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला कहता है 5*7, 20*16। दूसरा कहता है क्या संक्रिया स्टार क्रम इनमें है। तीसरा कहता है क्या स्टार साहचर्य है। चौथा कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। पांचवा प्रश्न कहता है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। पांच इसमें प्रश्न रखे गए हैं, तो आइए इसको हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न में जो संक्रिया दिया हो किस प्रकार से परिभाषित है। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए और बी का एलसीएम, अर्थात ए और बी प्राकृत संख्याएं हैं, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा ये हमको निकालना है। चलिए 5*7, पहला 5*7 का मान निकालना है। तो 5*7 निकालने के लिए जो परिभाषा दिया है उसको उपयोग करेंगे। 5*7 इज इक्वल टू 5 और 7 का एलसीएम। एलसीएम निकालो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्ती निकालिए। तो 5 और 7 का लघुत्तम क्या होता है 35। ठीक इसी प्रकार से 20*16 इज इक्वल टू 20 और 16 का एलसीएम। अब एलसीएम आप छोटी क्लास में निकालना जानते हैं, निकाल सकते हैं। 20 और 16 का एलसीएम 80। अब हम क्रम विनिमेयता का परीक्षण करते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा है क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमेय है, तो क्रम विनिमेयता का परीक्षण करते हैं। मान लेते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन, तब ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम। ए और बी का एलसीएम वही होगा जो बी और ए का एलसीएम, इसलिए ए स्टार बी वही होगा जो बी स्टार ए। देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अतः कहा जा सकता है दिया गया संक्रिया स्टार दिए गए समुच्चय प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में क्रम इनमें है। तीसरा नियम साहचर्यता का नियम का परीक्षण करते हैं। इसके लिए 3 अवयव लेते हैं। माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एन, तब सबसे पहले हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए और बी का एलसीएम स्टार सी। ए और बी का एलसीएम और सी का एलसीएम यदि हम इनको लें तो ये मिलेगा ए कॉमा बी और सी का एलसीएम, यानी तीनों संख्याओं का एलसीएम। अब हम लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी और सी का एलसीएम। पुनः परिभाषा लगाते हैं तो हमें मिलेगा ए और बी और सी का एलसीएम का एलसीएम। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा बी और सी का एलसीएम यानी तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो आप देख लीजिए रिजल्ट एक में ए बी और सी का एलसीएम, और रिजल्ट दो में भी लिखा है ए बी और सी का एलसीएम। ये तीनों संख्याओं का एलसीएम तो समान होगा, अतः कहा जा सकता है इन दोनों रिजल्ट से ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन, यानी दी गई द्विआधारी संक्रिया स्टार दिए गए समुच्चय एन में साहचर्य है। चौथा तत्समक अवयव निकालते हैं। मान लीजिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में तत्समक अवयव ई है, तब परिभाषा से ए स्टार ई इज इक्वल टू ए तथा ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। अब पहला भाग को लेकर के चलते हैं हम लोग। ए और ई का एलसीएम बराबर ए, यह तभी संभव होगा जब ई का मान एक होगा। ध्यान रहे बच्चों यहाँ पर ए और ई का एलसीएम ए तभी होगा जब ई का मान एक होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं ई स्टार ए बराबर ए, यानी
परिभाषा से कह सकते हैं ई और ए का एलसीएम बराबर ए, और ई और ए का एलसीएम ए तभी हो सकता है जब ई का मान एक हो। तो दोनों ही स्थितियों में आप लेफ्ट हैंड साइड में ई का मान और राइट हैंड साइड में ई का मान एक ही होगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि एन में तत्समक अवयव ई बराबर एक है। अब ई बराबर एक यानी तत्समक अवयव का अस्तित्व है जिसका मान एक आया, तो निश्चित रूप से प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व होगा। तब हम प्रतिलोम अवयव निकालते हैं। मान लीजिए स्मॉल ए बिलोंग्स टू एन एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, तब अवयव बी बिलोंग्स टू एन का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई तथा बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। ए स्टार बी यानी ए और बी का एलसीएम, तो ए और बी का एलसीएम बराबर एक, परंतु यह तभी संभव होगा जब ए और बी एक के बराबर होगा। दूसरी ओर हम लेते हैं बी स्टार ए इज इक्वल टू ई अर्थात बी और ए का एलसीएम बराबर एक, यह भी तभी संभव होगा जब ए और बी का मान एक होगा, अर्थात एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। और कहा जा सकता है एक का प्रतिलोम या एक का व्युत्क्रम बराबर एक। इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय एन में केवल एक अवयव एक व्युत्क्रमणीय है। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर इस संक्रिया के लिए जो दिया गया है प्राकृत संख्या में केवल एक अवयव वन व्युत्क्रमणीय है। बच्चों इसे नोट करते जाएं और पुनः दूसरा और सवाल लेकर के आप यदि समझते हैं और हल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा।